मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां मुंब्रा शहर में सड़क किनारे पेड़ लगाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे लगे एक नहीं दो नहीं करीब 6 पेड़ काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुंब्रा स्थित मेक कंपनी के पास सुभाष भोईर की ऑफिस है और उसके नज़दीक ही रोड किनारे जो पेड़ है मनपा प्रशासन ने करीब 6 पेड़ काट दिया है। मुंब्रा शहर में इन 6 पेड़ों को काटे जाने पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। बताया जा रहा है कि 5 पेड़ इसमें हरे भरे थे जबकि 1 पेड़ सूखा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पेड़ परमिशन से काटे गए हैं या फिर बिना परमिशन के काटे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मनपा वृक्ष प्राधिकरण के अधिकारी दिनेश गावड़े मौजूद नहीं थे। सिर्फ कर्मचारी पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो है वो काट कर ट्रक में लोड करके ले जा रहे हैं, बाकी हिस्सा पेड़ का ऐसे ही खड़ा है। फ़ोन पर जब हमने दिनेश गावड़े से जब बात किया कि आखिर इन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, क्या इसकी परमिशन है, तो उन्होंने कहा कि सुभाष भोईर का लेटर उन्हें मिला है कि इन पेड़ों को जो है काटा जाए, ये डेंजर स्थिति में है। तो कभी कहते हैं कि पेड़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा फ़ोन पर बताया जा रहा है। हालांकि जब हमने फिर पूछा कि परमिशन है तो उनकी तरफ से तरह तरह की बात की जाने लगी और कहा गया कि परमिशन लेटर वगैरह देखना है तो आपको 5 पखाड़ी मनपा कार्यालय पर आकर देखना पड़ेगा। वहीं पेड़ों की कटिंग कर रहे मनपा कर्मचारी कृष्ण बिंदु हिंदोले ने बताया कि पेड़ काटे जा रहे हैं, इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर ऑफिस बनेगी। वहीं मनपा अधिकारी दिनेश गावड़े ने फोन पर बताया कि ये पेड़ को ऊपर से काटा गया है, मगर क्या सिर्फ सुभाष भोईर के लेटर मिलने के बाद हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा, क्या इन पेड़ों को काटने से पहले परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, इसकी सही सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर परमिशन से ये पेड़ काटे गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिना परमिशन बिना कानूनी प्रोसेस के इस 6 पेड़ों को काटा गया है तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इन 6 पेड़ों को काटे हैं इन पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वही इस पेड़ काटने को लेकर जो मनपा कर्मचारी है कृष्णा बिंदु ने क्या बताया और फोन पर हमने मनपा वृक्ष प्राधिकरण के जो अधिकारी है दिनेश गावड़े उनसे बात की, उन्होंने क्या बताया, दोनों लोगों की बात सुनेंगे तो दोनों लोग अलग अलग बातें पेड़ काटने को लेकर बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ये जो यहाँ पर 5 से 6 पेड़ काटे गए हैं ये क्यों काटा गया, क्या वजह थी? वो मेरे को मालूम नहीं है, वो आप जाके उधर पूछो ऑफिस में। ऑफिस में क्या मतलब, किसने कहा था पेड़ काटने के लिए, कुछ परमिशन वगैरह ऐसा मिली थी? कुछ था इसका परमिशन, किसी ने एप्लीकेशन वगैरह दिया था कि ये पेड़ यहाँ से काट कर हटाया जाए, ऐसा कुछ, या डेंजर स्थिति थी इस पेड़ की? डेंजर स्थिति नहीं, उनका ये बनाने का है गाला तो ठेला वो। अच्छा। तो उसके लिए रजिस्टर परमिशन है उनका, वो तो आपको 5 पकड़े में मिलेगा ऑफिस में। तो कुछ परमिशन लेटर वगैरह आपको नहीं दिया गया कि आप पेड़? अरे सर 10 बार बोल रहा हूँ आपको, उधर है तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं तो आपको लेटर ना उधर मिलेगा ना आपको यार, हरा पेड़ था आप काट रहे हैं, मालूम है सब मेरे को, तो एक लेटर तो होना चाहिए ना कि देखिए हमारे पास परमिशन है इन पेड़ों को काटने का इसलिए हम काट रहे हैं, ऐसा कुछ है? अच्छा ये पेड़ जो ऊपर का हिस्सा कटा है तो नीचे वाला हिस्सा जो बचा है तो ये कहीं शिफ्ट किया जाएगा या फिर ऐसे शिफ्ट किया जाएगा? शिफ्ट किया जाएगा और ऊपर का हिस्सा वो कट गया, पूरा झाड़ नहीं उखाड़ के लेके जा सकते इसके लिए, उसको ये है 10 या 15 फीट। अच्छा, आप बता रहे कि यहाँ पर गाला बनेगा और गाला बोलेगा तो उनको ऑफिस है, उनको टीएमसी ने अलाउड किया है जगह वो। अच्छा, तो क्या मेरे घर का तोड़िए? और दिनेश गावड़े साहब तो बोल रहे हैं कि जो है वो पेड़ वैसे ही वहीं रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। हाँ तो वो बाद में हटेगा ना, अभी नहीं हटेगा वो, जब भी उसका नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसे ही रहेगा, वो हटाया नहीं जाएगा। हाँ तो वैसे ही रहेगा जैसा तो उनको मालूम है, मेरे को इतना बोला है उतना ही कटेंगे ना, मैं इतना मेरे को इन्फॉर्मेशन रहता है उतना ही मैं करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता। अगर वो हटाएंगे नहीं तो फिर बनेगा कैसे? वो उनकी मर्जी है ना कैसा बनाने का, वो देखेंगे। हेलो, हाँ
हाँ सर, इस्लामुद्दीन बोल रहा हूँ, प्रहार टाइम से। इस्लामुद्दीन खान बोल रहा हूँ, प्रहार टाइम से। हाँ सर, यहाँ पर 4-5 पेड़ काटे गए हैं, क्या इसका परमिशन था क्या सर? कहाँ? आप गावड़े सर बोल रहे हैं ना? बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ? ये सुभाष भोई साहब के ऑफिस के बाजू में, मेक कंपाइन। फांदी काटा है ना कि क्या की है? नहीं नहीं, ऊपर से कटिंग हुई है। ऊपर से कटिंग हुई ना? हाँ। मतलब नीचे तक नहीं हुआ कितना? नहीं नहीं, नीचे तक नहीं है, ऊपर ही काट के सर, ऊपर का हिस्सा। भाई परमिशन नहीं, फाइल साहब का मंजूरी हुआ है। अच्छा, कितने कितने पेड़ का? छह पेड़ का। अच्छा, तो और जो बाकी के हिस्से बचे हैं, क्या दूसरी जगह शिफ्टिंग होगी क्या? हाँ, उसको एक्चुअली वो आगे का डिसीजन हो गया, लेकिन छह का हो गया। अच्छा, उसका हो गया। हाँ अच्छा, वजह क्या थी यहाँ से पेड़ काटने का, ऐसा कुछ वजह रीजन? नहीं नहीं, वो क्या हो रहे, नीचे से है ना डेंजरस लग रहे है, इसलिए उसका जो है ना ट्रिमिंग करके मैक्सिमम पार्ट उसको उधर ही ट्रीटमेंट देने वाले है उसके यहाँ नीचे की जड़ को। और नया स्प्राउटिंग मैं आपको फोन करता हूँ, थोड़ा मैं थोड़ा इसमें हूँ। अच्छा, नहीं मेरे को परमिशन है अगर तो उसका लेटर भेज दो ना फिर। नहीं नहीं, परमिशन नहीं, उसका सैंक्शन रहता है, फाइल का सैंक्शन रहता है। अच्छा, तो बिना परमिशन के काट दिए इसको आप लोग? सैंक्शन रहता है सर। एक हेलो, रोड के रोड के बाजू में है, सार्वजनिक गद्दी में है वो एक्चुअली। मैं आपको फोन करता हूँ ना, मैं एकदम काउंटर पे हूँ एक। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर रोड के बगल में है ना, उसको क्या कर रहे मालूम है? नीचे से ट्रीटमेंट देने का है आगे, ऊपर से बांध देने का है, और नीचे बोर्डो पेस्ट लगा के जड़ में हेलो वो ट्रीटमेंट करने का है उसका। हमारे पास भोईर साहब का एप्लीकेशन है। अच्छा, हाँ वो इसके प्रोसेस हुआ है उसका। भोईर साहब का एप्लीकेशन क्या है आपके पास? डेंजरस हाई ट्री करके ऐसा आ गया क्या आपको? हेलो, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं आके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, तो आप, आपके पास अगर वो है तो आप लेटर। अभी मैं फील्ड में हूँ ना, मैं फील्ड में हूँ, मेरे पास कलवा मुमरा दिवा तीन एरिया है। अभी आप सडनली उधर पूछ रहे हैं, पेड़ तो साइड में थे, ऐसा डेंजर स्थिति तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसका, कि गिरने वाला भी था या कमजोर हो गया था, ऐसा कुछ तो है नहीं। वो पेड़ पूरे हरे पेड़ से अभी फिलहाल। अच्छा, मैं अभी आपको फिलहाल बता रहा हूँ, जो जो भी उसका सिचुएशन वो मैं आपको बता दिया। उसके ऊपर आपको क्या करना है तय करना है, मेरा नंबर है आपके पास, आप आ सकते हैं मेरे पास। हाँ ठीक है, तो इसका यहाँ से पेड़ जो ये अभी बचा हुआ है, इसको आप लोग निकाल के शिफ्ट करेंगे या क्या करेंगे? अरे लेकिन अभी फिलहाल अभी आपने ऑब्जेक्ट किया है उधर का, उसको नहीं शिफ्ट करेंगे हम लोग, जगह में ही रखने वाले ना, उसको बोला ना आपको ये यही पे रहेगा जैसे है। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, और तुम्हारे ये जो कॉन्ट्रेक्टर है वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ भोईर साहब का एप्लीकेशन है, वो उसको गाले बनने वाले हैं, टूटने वाले हैं, ऐसा बता रहे हो। कौन क्या वो एक गलत, अरे भाई जगह में उधर उधर ही वो रहने वाला है पेड़, उधर ही रहने वाला पेड़ ही रहने वाला है। तो फिर ऊपर से काटा क्यों गया? इतना डेंजर तो था नहीं कि वो गिर जाएगा, पूरे हरे पेड़ थे ना भाई। अरे भाई जेड़ से आपको देखो, आप अभी क्या बताऊं आपको मैं, हमने अगर आपको मानपा ने उस इन पेड़ों को काटने के लिए अगर परमिशन दिया तो लेटर मुझे व्हाट्सएप करो ना भाई। अरे यार ऐसा नहीं है, डेंजरस आपने बता दिया, हमने चेक किया, उसको ट्रीटमेंट देके उधर ही हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ अभी फोन पे, कितना बताऊं आपको मैं, आप देख सकते हैं ना आके, मेरा नंबर है आपके पास। ठीक है, चलिए बस कॉल करता हूँ आपसे।